एक अहम जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं। आज से कई खाद्य वस्तुएं हो जाएंगी महंगी। दिल्ली से खबर आपको बता दें, आज से कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो जाएंगी और जीएसटी परिषद के फैसले लागू होने के बाद वस्तुएं महंगी होंगी। तो फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर महंगे हो जाने की बात सामने आ रही है। पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ महंगे हो जाएंगे। तो पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ महंगे होंगे। आटा, पनीर, दूध और दही भी महंगा हो जाएगा। तो आटा, पनीर, दूध और दही भी महंगे होने की बात सामने आ रही है, यानी महंगाई की मार पड़ सकती है जनता पर। पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ महंगे होंगे, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल यह अहम जानकारी सामने आ रही है। हमारे साथ में इसी पर विस्तार से बात करने के लिए रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अमित जी, अस्पताल के महंगे कमरों पर भी अब जीएसटी देना होगा, यानी बीमार होना भी अब कहीं ना कहीं महंगा, और साथ ही साथ खाना खाना तो पहले ही महंगा है, लेकिन इन सारी चीजों पर महंगाई जब बढ़ेगी क्या लगता है, जनता और ज्यादा त्रस्त होने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए तमाम सारी चीजें हैं जीएसटी को लेकर, तमाम बैठकें होती रही, तमाम संशोधन होते रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल के कमरों की बात करें, खाद्य सामग्री की बात करें, यहाँ तक कि दालों पे भी जीएसटी दर में संशोधन किया गया। कुछ चीजों पे जीएसटी जो बढ़ाई गई है, तमाम दरें जो है वो आज से लागू हो जाएंगी। और दूसरी तरफ आज से मानसून सत्र भी क्योंकि चल रहा है, और जाहिर तौर पर यही बड़ी ये वजह है कि विपक्ष महंगाई को लेकर चर्चा चाहता है, और जब से खासतौर जीएसटी लागू हुई है तब से लगातार विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि कहा यह गया था कि जब जीएसटी आएगा तो एक टैक्स स्लेब होगा, उस टैक्स स्लेब के अकॉर्डिंग ही सारी चीजों की पेमेंट की जाएगी, जिससे लोगों को परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे कई सारे स्लेब हो गए, 2%, 5%, 10%, 12%, 18%, 28% जीएसटी, मतलब अलग अलग चीजों पे अलग अलग जीएसटी की दर है, यानी टैक्स की जो चीजें थी वो उनमें संशोधन नहीं हुआ, भले ही एक टैक्स की बात यहाँ पे की जा रही हो। और यही बड़ी वजह है कि लोग पहले से महंगाई की मार से जूझ रहे हैं। और दूसरा, जीएसटी में जो नया संशोधन हुआ, इससे न सिर्फ हॉस्पिटल बल्कि खाद्य सामग्री जो आम आदमी रोज के जीवन में चीजें यूज करता है, वे चीजें भी महंगी होने वाली है। बिल्कुल, लेकिन अमित जी, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगने के बाद हमने देखा है देश में कई जगहों पर इसका विरोध भी देखने को मिला है। देखिए, विरोध लगातार हो रहा है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ खाद्य सामग्री की बात नहीं है। हमने देखा कि अब तक जो है दर्जनों बैठकें जो है वो जीएसटी को लेके हो चुकी है, और समय समय पे तमाम चीजों में संशोधन किया जा रहा है। यहाँ तक कि जब कृषि के उपकरणों पे जीएसटी की दर ज्यादा थी तो लगातार किसानों को विरोध देखने को मिला, उसके बाद कृषि उपकरणों पे जीएसटी की दर कम की गई। अब एक खासतौर पे आम आदमी का बिल्कुल, यानी आम आदमी अमित जी कहीं ना कहीं परेशान है, और सीधा असर इन सारी चीजों का आम आदमी की जेब पर ही पड़ने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अहम खबर आपको बता दें, जहां पर जीएसटी परिषद के फैसले लागू होने के बाद से यहां पर इन चीजों पर महंगाई का असर देखने को मिलेगा। पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ महंगे।